सेक्टर 1 क्रिकेट ग्राउंड में नव वर्ष के उपलक्ष्य में जीएसटी क्रिकेट लीग 2021-22 का आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि प्रिंसिपल कमिश्नर बीबी महापात्रा रहे। रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत किए गए, साथ ही अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस्पात नगरी के सेक्टर 1 क्रिकेट ग्राउंड में जीएसटी क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच का मुकाबला देखने यहां लोग शामिल रहे। फाइनल मैच के मुकाबले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रधान कमिश्नर बीबी महापात्रा मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल रहे। वहीं केंद्रीय जीएसटी के ऑडिट कमिश्नर अजय कुमार भी यहां शामिल रहे। अतिथि देवो भव के तहत मुख्य अतिथि का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीतों के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। रंग बिरंगे पारंपरिक छत्तीसगढ़ के नृत्य की प्रस्तुति को देख सभी झूम उठे। मुख्य अतिथि के साथ सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद समय आया ग्राउंड पर खड़े क्रिकेट प्रदर्शन टीम से रूबरू होने का, तो मुख्य अतिथि बीबी महापात्रा ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। ये हुआ एक छोटा सा, प्लीज सर एक। आयोजित जीएसटी क्रिकेट लीग को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जीएसटी की प्रणाली के नियमों में पहले की अपेक्षा सुधार आने की बातें कही। पर्पस तो देखिए, जैसे कहावत है कि आप अगर खेल कूद में या एक्सरसाइज में अगर ध्यान देंगे तो आपका हेल्थ और माइंड भी फिट रहेगा, ये एक तो पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि कामकाज के अलावा भी थोड़ा इस तरह का कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर हमारे स्टाफ अगर ध्यान देते हैं तो उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी हमें अच्छा रहता है और काम में भी अच्छा करते हैं। दूसरा, आज अगर आपने कोई अगर टीवी देख रहा होगा तो उनको पता होगा कि इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज खास करके आज का दिन फिट रहो और हिट रहो, ये स्लोगान में सबको फिजिकल फिटनेस के लिए आज पूरा दिन समर्पित किए हैं और उपदेश भी दिया जा रहा है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो हम लोगों को खुशी की बात यह है कि हमारे स्टाफ ने इसको एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करके आज फाइनल का डे और अच्छा, ये जो भिलाई जैसा शहर भिलाई स्टील प्लांट के सौजन्य से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आगे और भी होता रहे और इसका जो प्रेरणा सिर्फ हमारे स्टाफ का नहीं, जो जिनको पता चलेगा और जो देखेंगे उनको भी ये एक उछान देगा और सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, जैसे शुरू में अगर 2017 से लेके अब तक का जर्नी अगर आप देखेंगे, पहला 3 साल 17, 18, 19 वो काफ़ी टर्बुलेंस रहा जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन के दौरान, लेकिन 2020 खैर कोरोना के कारण थोड़ा बहुत मंदी भी, मतलब थोड़ा बहुत काम में फ़र्क भी पड़ा, लेकिन 2020 के बाद देखिए आज 2 साल हो गया। अभी आज की डेट में जो पहले जैसा जितना डिस्प्यूट वगैरह वो सब कुछ ज़्यादा रहा नहीं, और चाहे आप किसी भी ट्रेडर्स और किसी भी टैक्सपेयर्स को भी पूछ लीजिए, आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट और असेसमेंट और फाइलिंग ये सब इतना आसान हो गया है कि यहाँ तक कि हम जो स्टाफ है, हम लोग जो कर्मचारी है, हम लोगों का भी काम कम हो गया है। पिछले ज़माने में हम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स में जितना बिजी रहते थे, आज की डेट में हम लोगों के पास उतना काम नहीं रहा। इन द सेंस उस तरह का हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में हम उलझ उससे नहीं आ रहे, काम है बहुत सारा आगे करने के लिए आज भी है, लेकिन जीएसटी जो जिस हिसाब से सुधार लाया है ये सिर्फ हम डिपार्टमेंट की ओर से अगर हम बोलेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। और मेरा सुझाव है आप ट्रेड से भी पूछ लीजिए, चार्टर्ड अकाउंट से भी पूछ लीजिए, एडवोकेट से भी पूछ लीजिए, आपको हर तरह से आपको इसका अच्छा ही मिलेगा। राज्य सरकार अच्छा ये इस मामले में देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है जो कंपनसेशन सेस लगाया गया है, जो एक समझौता हुआ था जिस समय जीएसटी इंट्रोड्यूशन हुआ कि राज्य सरकार को जितना खपत होगी, मतलब जितना कम मिलेगा एनुअली जीएसटी,
उसको एक कंपनसेशन दिया जाएगा। एक फॉर्मूला केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है, ये थोड़ा हायर लेवल पॉलिसी डिसीजन है, उसमें मेरे कुछ बोलना उतना औपचारिक नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी मंत्रालय हमारा और बाकी जो जीएसटी काउंसिल है इस चीज़ को ऊपर ध्यान रखते हुए आपस में वो डिस्कशन करते रहते हैं, और जो भी समस्या इस मामले में आता है राज्य सरकार को लेके, उसको आप भली भांति आप देखते हैं कि उसका समाधान वो बीच बीच में निकालते हैं। डेफिनेटली हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे, हम लोग आउटरीच प्रोग्राम में यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज बहुत सारा स्वच्छता अभियान के दौरान हम लोग बहुत सारा सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे कॉरपोरेट्स काम करते हैं, उसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट भी कहीं पे किसी पे बिल्डिंग बनाना, कहीं पे टॉयलेट बनाना, कहीं पे सफाई करना, ये सब। और ख़ास करके अभी एक नया चीज़ जो रिसेंटली हम लोगों ने किए हुए हैं, हमारा रायपुर में एक जीएसटी चौक, नया टिकरापरा में एक चौक को जीएसटी चौक के नाम पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे के अप्रूवल करवाया हुआ है, जिसका हम इनागोरेशन धूमधाम से करेंगे, जो एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह काम करेगा। और हो सकता है ये कंट्री में पहला हो, या मतलब बहुत कम जगह पे इस तरह का काम इनिशिएटिव हुआ है जो हम लोगों का यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ में हुआ है। बहरहाल जीएसटी क्रिकेट लीग के आयोजन में खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।